शैक्षणिक क्रांतीचा अनुभव घेण्यासाठी या सेंट मायकल इंग्लिश स्कूल चंद्रपूर। शैक्षणिक उत्कृष्टता, सह अभ्यासक्रम आणि कलागुणांचा अप्रतिम समतोल असलेली ISO प्रमाणित CBSE आणि स्टेट बोर्ड शाळा। वर्ग नर्सरी ते दहावी, अनुभवी व समर्पित शिक्षक आणि कर्मचारी। दरवर्षी 100% दहावी बोर्डाचे निकाल। सर्व सुविधा युक्त डिजिटल क्लासरूम, प्रशस्त शाळा इमारत आणि परिसर, सर्व सुविधा युक्त संगणक लॅब, विज्ञान व गणित प्रयोगशाळा आणि लायब्ररी, भव्य क्रीडांगण आणि शाळेचा सुंदर बगीचा, CCTV कॅमेरांसह अग्नि सुरक्षा यंत्र आणि RO पाण्याची सुविधा। सत्र 2023-24 साठी प्रवेश सुरू। सेंट मायकल इंग्लिश स्कूल, नगीना बाग, मिशन कंपाउंड, चंद्रपूर। आइए अब जानते हैं चंद्रपुर के एक ऐसे शिक्षण महर्षि के बारे में जो बहुत ही कम समय में एक व्यवसाय से शिक्षण महर्षि बनने तक का सफर अपने परिश्रम और अपने नियोजन से सफल किया। MSPM ग्रुप के नाम से आज ये शैक्षणिक ग्रुप चंद्रपुर और यवतमाल जिले में अपना परचम लहरा रहा है, साथ ही महाराष्ट्र शिक्षा क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। स्लेम इंडिया के एक छोटे से कॉन्वेंट से शुरू हुए इस ग्रुप ने आज कई कॉन्वेंट, कई स्टेट बोर्ड स्कूल, ITI, पॉलिटेक्निक और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग होम चल रहे हैं। एक कहानी किसी को भी प्रेरित करने के लिए काफ़ी है। आइए जानते हैं MSPM ग्रुप और उसके फाउंडर चेयरमैन श्री पांडुरंग अंबटकर के बारे में। सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों को आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों को अभिव्यक्त एवं प्रोत्साहित करे। महात्मा गांधी। ज्ञान वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। नेल्सन मंडेला। ज्ञान में निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है और वो जो स्कूल के दरवाजे खोलता है, जेल के दरवाजे बंद कर देता है। ऐसे विचारों से प्रेरित चंद्रपुर के एक व्यक्ति ने झोपड़पट्टी इलाकों से अज्ञानता का अंधेरा दूर हटाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर 1995 में, यानी 28 साल पहले, बाबूपेट में एक इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल शुरू किया, जहां सरकारी स्कूलों में भी मुफ्त में सीखने बच्चे नहीं जाते थे, वहां पर इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने की हिम्मत इस व्यक्ति ने दिखाई। स्कूल का नाम था पैरामाउंट कॉन्वेंट और उस व्यक्ति का नाम था पांडुरंग अंबटकर। हमारे जमाने में एजुकेशन लेने के लिए उतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन जब हम इस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में बहुत मजबूती से आने की कोशिश की ना, पहला हमने एक जीवन का कन्वेंट खोला, उसका नाम है पैरामाउंट कन्वेंट। मैं महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल, ये मेरा संस्था का नाम है, और पैरामाउंट कन्वेंट ये हमने बाउपेट एरिया में शुरुआत की, जिस एरिया में जिसको स्लम बोलते थे, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग रहते थे, वहाँ पे कॉन्वेंट खोल के वहाँ के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश मीडियम का एक दालन हमने तैयार किया। पहली बार मैंने किया, उसके बाद कोई नहीं कर सका, और नियर अबाउट अंतलेश्वर गेट से लेकर बाउपेट के जितने भी लालपेट कॉलोनी तक, नांदगांव कॉलोनी तक के सभी स्टूडेंट्स हमारे कॉन्वेंट में पढ़ते। निस्वार्थ भावना से सेवा करने का फल कुछ ऐसा मिला कि आज इनकी 5 CBSE और स्टेट बोर्ड स्कूल, 1 जूनियर साइंस कॉलेज, 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 1 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग होम, 1 डी फार्म कॉलेज, 4 ITI कॉलेजेस, 1 सौमया फिल्म तथा 1 24 फ्रेम फिल्म स्टूडियोज MSPM ग्रुप के तहत चल रहे हैं। इस क्षेत्र से हम आगे बढ़े, फिर मैक्रून स्टूडेंट्स अकेडमी, CBSE स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल चंद्रपुर, उसके बाद मैक्रून स्टूडेंट्स अकेडमी भद्रावती, मैक्रून स्टूडेंट्स अकेडमी वणी, फिर सोमया पॉलिटेक्निक कॉलेज जो आज बहुत बड़ा नाम रखता है चंद्रपुर जिले में, विदर्भ में बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट भी है और एक टॉप का रिजल्ट देने वाला सोमया पॉलिटेक्निक, उसके साथ साथ हमारे 4 ITR है, उसके साथ हमने लास्ट ईयर सुमैया आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ओपन किया, इस साल से वहाँ पे हमारा एडमिशन शुरू होने वाला है। फिर सुमैया फार्मेसी कॉलेज हमने खोला है, इस साल से वहाँ पे भी एडमिशन शुरू होने वाला है, और अगले साल मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज भी आ रहा है। मेरा एक दृष्टिकोण था कि चंद्रपुर का स्टूडेंट नर्सरी में एडमिशन मेरे पास ले और डॉक्टर बन के मेरे यहाँ से निकले। अभी तो हमारा BAMS कॉलेज है, आने वाले 3 से 5 साल के बीच में मेरा मेडिकल कॉलेज MBBS भी रहेगा, ये आपसे वादा है। मैं चंद्रपुर का हूँ, चंद्रपुर का एक मराठी पर्सन हूँ, लेकिन हमारे में एजुकेशन की जीत है,
हमारे स्टूडेंट चंद्रपुर के कहीं और न जाना, कहीं और जाके ज़्यादा खर्चा न करना, इस सिस्टम में हमने यहाँ पे हमारे इतने सारे कॉलेज खोले हैं। आज लोग इन्हें शिक्षण महर्षि की पदवी दे रहे हैं। एक और जहां 30,000 से अधिक विद्यार्थियों का भविष्य और करियर बनाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, वही करीबन 500 लोगों का टीचिंग तथा नॉन टीचिंग स्टाफ इनके भरोसे अपना जीवन व्यापन कर रहा है। स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक तथा शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में असीम उपलब्धियां और नाम कमाने के बाद इन्होंने 2019 में सौम्या करियर इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी, भावी डॉक्टर और इंजीनियर को बनाने का बीड़ा उठाया और आज पिछले 4 सालों से 100% ट्रैक रिकॉर्ड सफलता के साथ इन्होंने सरताज का खिताब भी हासिल कर लिया है। इतने कम समय में यह संभव हुआ क्योंकि इन्होंने अपने विद्यार्थियों के लिए 200 कंप्यूटर्स का लैब, 4 एकड़ का कैंपस, खुद की जूनियर कॉलेज करियर इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल की बिल्डिंग, घरेलू खाने के साथ 500 विद्यार्थियों को रहने की सुविधा। यहाँ 500-600 स्टूडेंट्स आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं और यहाँ का खाना, वाह क्या बात है, स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। अक्सर हमारे चेयरमैन साहब और हमारे प्रिंसिपल सर हमारे साथ यहाँ बैठकर खाना खाते हैं। 24 घंटे मेडिकल और सिक्योरिटी का इंतजाम तथा अनिवासी छात्रों के लिए बस का इंतजाम किया। और सबसे अच्छा रिजल्ट, मेरे 4 CBSE स्कूल है 100% रिजल्ट दिया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज का 100% रिजल्ट है, हमारे ITI के रिजल्ट 100% है और हमारा सोमया करियर इंस्टीट्यूट हमने खोला। 4 साल हो गया, इस साल चंद्रपुर से खड़गपुर IIT कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट और चंद्रपुर का जो गया है वो हमारा ही गया है। हमारा एक बच्चा मेडिकल में कॉलेज में गया है, MBBS धुली में गया है और बाकी BAMS में गया है, कुछ MBBS गए बच्चे। बहुत गर्व होता है हमको कि हमारे स्टूडेंट IIT तक गए, हमारे स्टूडेंट फॉरेन तक गए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ चंद्रपुर के स्टूडेंट को और पालक को, आप करियर में एडमिशन लेना है तो सोमया करियर में आओ। मैं विश्वास दिलाता हूँ वो स्टूडेंट हमारे यहाँ से निकलेगा, मेडिकल कॉलेज में उसका नंबर लगेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज लेना है तो मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज रहेगा, अगले साल तो कोई टेंशन नहीं। और IIT कॉलेज जाने के लिए पूरी तैयारी के साथ उसके साथ हम लगे रहते हैं, हमारा 6 से 8 घंटे का शेड्यूल है, बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का 3 से 4 घंटे का शेड्यूल है, मेरा 6.5 घंटे का शेड्यूल है पढ़ाने का। और महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों को IIT का एग्जामिनेशन ये कंप्यूटर पे लिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंप्यूटर पे लेती है। 200 कंप्यूटर का सेंटर मेरे पास है। यहाँ पे चंद्रपुर में फिशरीज नाम का एक सब्जेक्ट है जो नीट के बच्चों को दिया जाता है, हमारे यहाँ पे मिस्टर डॉक्टर पिंपर सिंडे जो हमारे यहाँ पे फिशरीज पढ़ाते हैं रेगुलर 11th और 12th में। हमारे यहाँ पे कंप्यूटर के रेगुलर क्लासेस होते हैं, वो एक ही करियर इंस्टीट्यूट है, सोमया करियर इंस्टीट्यूट, क्योंकि बच्चों को नॉलेज ही नहीं कंप्यूटर पे एग्जाम देने का, और वो एग्जाम IIT का डायरेक्ट कंप्यूटर पे 2 साल के बाद देता है, तो उसकी जो स्पीड रहना चाहिए, उसकी जो प्रैक्टिस रहना चाहिए, वो नहीं रहने की वजह से बहुत सारे बच्चे IIT कॉलेज में नहीं जाते। उसका कारण है क्या, किसी भी करियर सेंटर में, कोई भी कोचिंग सेंटर में कंप्यूटर का कोई भी लेबोरेटरी नहीं है। यह सारा श्री आंबेडकर के उदारवादी स्वभाव और छात्रों को बेस्ट देने की इच्छा से ही संभव हो सका, जबकि इतने इंतजाम इनके प्रतिस्पर्धी पिछले 10 सालों से भी नहीं कर पाए। फलस्वरूप इनके 500 से अधिक विद्यार्थियों को आज तक खड़गपुर, जलगांव, पूना, नागपुर, औरंगाबाद, वर्धा, सांगली जैसे विभिन्न स्थानों पर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल चुकी है। पिछले ही साल मीत मेश्राम ने IIT खड़गपुर में प्रवेश पाकर तो मंथन सवाई ने जलगांव के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाकर सौम्या करियर इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया। ये सच्चाई है और मैं सभी पालक को जो करियर सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें सभी सेंटर को विजिट देना, उसके बाद सौम्या करियर इंस्टीट्यूट में आना, कंपेयर करना कौन सा अच्छा है। हमारे पास हॉस्टल की बिल्डिंग है, हमारे पास बसेस है, हमारे पास बहुत बड़ा ग्राउंड है, 4 एकड़ का कैंपस है, जो बच्चा बस में घर से निकलता है यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ से बस से घर तक पहुँचता है,
बहुत सारे बच्चे हॉस्टल के लिए यहाँ पे चंद्रपुर शहर में आते हैं। बाहर से हमारा हॉस्टल एकदम प्रॉम्प्ट, एकदम क्लीन एंड नीट और एकदम पूरा सिक्योर्ड है। हमारे पास रात को गार्ड, दिन को गार्ड, सिस्टमेटिक लगे हुए गार्ड है। हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड गेट पे होता है। पालक गेट से आता है, पालक को पूछा जाता है किसको मिलना है, उनका एंट्री होता है। और मैं चाहता हूँ जिसके पास पूरी सुविधा है वहाँ आने की कोशिश करना है। मैं नहीं चाहता कि पूरे बच्चे मेरे पास आना चाहिए, लेकिन अच्छे बच्चे मेरे पास आना चाहिए। हॉस्टल में पूरी सिक्योरिटी, लड़कियों का हॉस्टल अलग, लड़कों का हॉस्टल अलग। हमारा बहुत सुंदर कैंटीन है, सुबह नाश्ता दूध ब्रेड चाय, फिर खाना होता है दोपहर में, आफ्टरनून 3 बजे हमारे पास नाश्ता होता है, रात में और खाना होता है। हर संडे को हम नॉनवेज खिलाते हैं। वीकली उनका एंजॉयमेंट होता है, डीजे पे उनको वीकली एक दिन देते 2 घंटा, उसके बाद इनकी पिकनिक्स होती छोटी बड़ी। और हमारे बसेस होने की वजह से हम बहुत सारे जगह पे ऐसे है कि जिसके पैसे नहीं लेते पालक से, महीने में एक पिकनिक डे आवर्स की फ्री में हम लेके जाते हैं। ये सुविधा और किसी के पास नहीं है। मैं चाहता हूँ सभी स्टूडेंट को जो 10वीं में अभी एग्जाम दे चुके हैं, आपको 11th में करियर कोचिंग सेंटर किसी का चुनना है तो सिर्फ सोमया चुनना है। दक्ष रहो, दक्षता पालो और ढूंढो, कंपेयर करो कौन अच्छा है, वहीं पे आपको एजुकेशन लेना है। अब जबकि MSPM ग्रुप फ्लैगशिप कंपनी का सोमया करियर इंस्टीट्यूट नामक जहाज पूरी गति से उड़ रहा है, ऐसे वक्त इस जहाज के दो पंख के रूप में पीयूष पांडुरंग आंबटकर वाइस चेयरमैन के रूप में और अंकिता पीयूष आंबटकर डायरेक्टर के रूप में इसे मजबूती प्रदान करके नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता पीयूष आंबटकर है। मेरा एजुकेशन नागपुर और पुणे से किया गया है। मैं MSPM ग्रुप की डायरेक्टर हूँ। मेरे वर्किंग एक्सपीरियंस और एजुकेशन से मैं ये कह सकती हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज एज इम्पॉर्टेंट एज एजुकेशन। इसलिए मेरा ध्यान बच्चों के सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा रहेगा, ताकि वो समाज में फ्यूचर में आगे जाके सक्सेसफुल रहे। जिस वजह से विद्यार्थियों को एक ही छत के नीचे KG टू PG तक का शिक्षण और संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की ट्रेनिंग मिल रही है। हेलो, मेरा नाम पीयूष आंबटकर है। मैं महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल का वाइस चेयरमैन हूँ। मेरा विजन ये है कि मेरे MSPM ग्रुप के संस्था के अंदर एक ही छतरी के नीचे KG से लेके PG तक हर किस्म का एजुकेशन मिलना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहे, इंजीनियर बनाना चाहे, आर्किटेक्ट बनाना चाहे, लॉयर बनाना चाहे, तो आप मेरे पास उसे नर्सरी में डालिए और मैं उसको डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेसमैन, जो आप चाहे वो बना के आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा MSPM ग्रुप के तरफ से कि अगर आपको आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहिए तो MSPM ग्रुप के तरफ आइए। थैंक यू। इसीलिए इस ग्रुप के संचालक खुला आह्वान करते हैं कि आपको हमसे अच्छी या हमारी जितनी भी सुविधाएं कहीं और मिल जाए और अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे जैसा हो तो निसंदेह वहां प्रवेश ले, वरना सोमया करियर इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करके आपके सपनों में असली रंग भरने के लिए सदैव तैयार है।